मुगलों के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था भारतीयों के साथ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, तमाम तरह की जो है हमें झेलना पड़ा। ताजमहल भी इस समय विवादों को ऊपर है, वो मुगल का है या उसके नीचे मंदिर था, ये अभी विवाद है, कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला है। जो मुगल सड़क है, जो मुगल मार्ग है, जो मुगल रोड है, इसका इस्तेमाल जो है मुगलों ने देश के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल किया रहा था। राष्ट्रपति भवन के अंदर ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। कई दिल्ली के अंदर मुख्य सड़कों के नाम जो है बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन के दौरान 57 जो है स्कूलों के और मुख्य सड़कों के नाम वहां पर बदल दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर पर ये मुगलई छाप क्यों थोपी जा रही है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है वो देखिए, जम्मू संभाग की रजौरी पुंछ से जो कश्मीर को सड़क जोड़ती है उसका जो मुगलई रोड नाम, मुगल रोड जो है उसका नाम रखा गया, उसके नाम बदलने को लेकर है। देखिए, जम्मू कश्मीर ने ना तो कभी अंग्रेजों की गुलामी की, ना कभी मुगलों की गुलामी की, ना ही यहाँ पर कोई मुगल वंशज रहते हैं। तो जब देश के प्रतिष्ठित स्थलों का नाम बदला जा रहा है, राष्ट्रपति भवन के अंदर ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदला गया है, कई दिल्ली के अंदर मुख्य सड़कों के नाम जो है बदल दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन के दौरान 57 जो है स्कूलों के और मुख्य सड़कों के नाम वहां पर बदल दिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर पर ये मुगलई छाप क्यों थोपी जा रही है, इसको लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। देखिए, ये जो मुगल सड़क है, जो मुगल मार्ग है, जो मुगल रोड है, इसका इस्तेमाल जो है मुगलों ने देश के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल किया था। अकबर ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये मुगलई छाप हमारी यादों से पूरी तरह से मिटाई जानी चाहिए। हम देश के जो गृह मंत्री हैं उनके नाम एक खुला पत्र भी आज हमने लिखा है, जिसके अंदर ये मांग की गई है कि इस मुगल रोड का नाम जो है बदलकर डोगरा वंश के संस्थापक और रियासत के पहले महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। मार्ग मुगलों ने नहीं बनाया था, उस समय कच्ची सड़क थी। बहुत सारे मार्ग ऐसे बनाए हैं जो उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाए थे, कोई हमारी सुविधा के लिए नहीं बनाए गए थे। उन्होंने देश पर आक्रमण करने के लिए ये मार्ग अपनाया था। मुगलों के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था भारतीयों के साथ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, तमाम तरह की जो है हमें झेलना पड़ा, जितने दर्दनाक यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम नहीं चाहते कि इन दर्दनाक यादों को जो है एक बेहतर यादों के रूप में संजोया जाए। इन यादों को जो है कोई भी इसके अंदर जो है इसके यादों को लेकर कोई भी जगह है, प्रतिष्ठित स्थलों हैं, उसका नाम जम्मू कश्मीर के अंदर है तो जम्मू कश्मीर के हस्तियों के नाम पर होना चाहिए, देश के अंदर है तो देश की हस्तियों के नाम होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन था वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ अगर मुगल गार्डन का नाम बदला जाता है तो हमारे ऊपर मुगलई शासक को क्यों थोपा जा रहा है? शासक से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी दोहरी नीति क्यों है? जब देश के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया जाता है, दिल्ली की मुख्य सड़कों का नाम बदल दिया जाता है, तो मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर मुगल रोड क्यों यहां पर हमारे ऊपर थोपी जा रही है? हमारी मांग है कि इसको हमारे डोगरा वंश के जो संस्थापक थे, जो यहां पे जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे, उनके नाम पर, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर इस सड़क का नाम रखा जाए। ताजमहल भी इस समय विवादों को ऊपर है, वो मुगल का है या उसके नीचे मंदिर था, ये अभी विवाद है, कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला है। लगातार ये आवाजें उठ रही हैं, मुगल शासनकाल के अंदर हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया गया था, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए थे, जबरन हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां जो है अपने स्थल बना दिए गए थे, ये तमाम विवादों के अंदर है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ जरूर सुलझेंगे।